हेलो एवरीवन बेटा, अभी तक हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स की दो तीन वीडियो देख चुके बेटा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो देखिए लाइन एंड एंगल्स का। इसके अंदर हम कुछ जैसे आप लोगों ने थ्योरम्स की थी, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन कैसे आने अपने एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन कर देना बेटा, वो कहेगा प्रूफ कर दे, हाउ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए इसने यहां पे एक्स दे दिया, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, ये सारे क्वेश्चन कर देगा, बोलेगा ओके आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो देख ले कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझिए। पहले स्टार्ट तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक। जब भी बेटा ये लाइन और ये लाइन कैसे दे रखी है, पैरेलल कैसे दे रखी है, पैरेलल, यहां भी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन दे रखी है, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताइए। तो देखो अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो आप इस चीज को समझिएगा बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए इस डायग्राम पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी बेटा, कंस्ट्रक्शन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल, जैसे कि ड्रॉ एल पैरेलल टू एपी, पैरेलल टू सीडी। अगर ये लाइन एल पैरेलल टू एपी ड्रॉ कर दिए बेटा, और AP किसके पैरेलल है, CD की, इससे मतलब तीनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ये लाइन और ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल कैसी होगी बेटा, पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल हो गई तो समझिएगा बेटा, मान लीजिए इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एंगल है P और ये एंगल कैसा हो गया Q, कोई दिक्कत, ये P पार्ट में ये P हो गया और ये Q, यानी x की वैल्यू क्या है, P प्लस Q, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन बेटा पैरेलल है, तो देखो ये जेड निकल गया, ये एंगल और ये एंगल के बीच में एंगल हो गए, क्लियर। तो P बराबर क्या हो गया बेटा 48, क्यों भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। मैंने आपको बताया लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते बेटा, इक्वल। तो ये 48 ये क्या हो गया, 48, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बेटा Q और 52, ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, यहां पे तो पूरा जड़ बन गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो बेटा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप पिछला वीडियो देखिए उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो Q की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 52, Q हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x जो है बेटा वो क्या है, P प्लस Q, ठीक है, यानी P प्लस Q, 48 प्लस 52, इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना जाएगा, 100, इस क्वेश्चन में जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप देखिए बेटा कब रख इसको, ठीक है, आप समझ लीजिए इस चीज को, 100 आ गया, क्लियर। अगर मैं इस क्वेश्चन कैसे करता, यानी कि अगर आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको इसको मूझ वाली करना चाहे, क्या करना चाहिए, मूझ वाली इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे अंदर की तरफ ये ऐसे घूम रहे हैं बेटा, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, ये लाइन और ये लाइन कैसे हो, पैरेलल, और ये एंगल अगर आपको अल्फा दे दे तो ये कितना देते हैं, बीटा, और कुछ बताओ ये एंगल बताओ कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, तो ये जो एंगल आएगा ना, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। अभी समझा रहे बेटा कैसे आएगा, ये 42 था, 48 था, ये 52 था, दोनों का समीप आया था ये, क्लियर, कैसे आया था ये आपको पता चल गया होगा, यानी अगर आपको डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा इन दोनों का क्या आएगा, ये सम आएगा, कैसे आएगा फिर दोबारा समझिए, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है पैरेलल, क्या कर देनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ। अब ये अल्फा बेटा ये भी अल्फा हो गया, क्यों बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बीटा, ये भी क्या बनेगा, बीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा एंगल कितना बनाइए, अल्फा प्लस बीटा, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए सर, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको फटाफट करवाने की कोशिश करता हूँ, आप फटाफट करके देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फटाफट आंसर करना, मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो ऐसे सेम पर मैंने फिर क्वेश्चन बनाया, ठीक है, ये दे दिया मैंने 50 और ये दे दिया 40, बोलिए एंगल कितना आएगा, आप करेंगे आंसर 40 प्लस 50 कितना आएगा, 9, क्योंकि दोनों लाइन कैसी हैं, क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, आप खुद करके देखेंगे क्वेश्चन को, अब आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट याद होना चाहिए, ये दे दिया आपको 35 और ये दे दिया 45, क्या बताओ ये एंगल बताओ कितना आएगा, ये एक्स की वैल्यू, ये इस बार ये क्वेश्चन आप पूछ के ना उसने ये पूछ लिया, ये वैल्यू बताओ एक्स की क्या आएगी,
ये इसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा देखो, अगर अब मेरे को इतना कुछ आता है, इधर अगर इतना कुछ आता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखिए ये वाला जो एंगल आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैसा है एमसीक्यू, तो ये वाला जो एंगल इन दोनों का सम आएगा, तो 35 प्लस 45 कितना है बेटा 50, 80, कितना आ गया ये 80, समझ आ गया। और 80 प्लस x कितना आएगा 360, 80 प्लस x इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल हो गया ना, पूरा हो गया, तो x की वैल्यू जो आएगी 360 में डालोगे तो 260 280, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। इस तरीके से इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको मेरे ख्याल से आपको कौन सा सुनने आ गया होगा, क्लियर। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आए। देखिए लाइन में पैरेलल दे दी, क्या दे दी पैरेलल दे दी, एक एंगल दे दिया आपको, क्या दे दिया एक एंगल दे दिया, कह रहे बताओ ये एंगल बताओ कितने का है, ये एंगल कितना है, देखिए ये पूरा एंगल देखिए, ये दे रखा बेटा 40, ये कितना दे रखा 40, इस स्टेप से ठीक है, कह रही है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। देखो जब ये सर लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, बीच में कुछ शेप सी बना दे, इधर बना दे या इधर बना दे, ठीक है, आपका दिमाग में तुरंत एक बात क्लियर होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, क्या करनी है लाइन ड्रॉ करनी है, करनी पैरेलल, ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, ये जैसे पास आउट होगी क्या से इसके इस एंगल से पास आउट होगी, ये करा दी, ठीक है, ये लाइन एल ड्रॉ कर दी, एल पैरेलल कर दी बेटा मैंने किसके, डी क्यू के और आर एस के, ठीक है, ये एल लाइन ड्रॉ कर दी किसके पैरेलल, डी क्यू के और आर एस के, कोई दिक्कत क्योंकि तो लाइन पैरेलल है, एक के ड्रॉ कर दी पैरेलल से जब टाइम पैरेलल होगी, आप समझ रहे बेटा, अब ये एंगल अल्फा है, मान लीजिए इसको पी मान लिया, इसको एंगल को क्या मान लिया क्यू, x जो बेटा वो p प्लस 2 के बराबर है, ठीक है, अगर हम p और q की वैल्यू आ जाए तो बेटा x की वैल्यू आ चुकी मेरे पास, अब समझिएगा, अब देखो ये जो pq लाइन है बेटा ये l की पैरेलल है, अरे इस लाइन की लाइन पैरेलल है ना, और आपको पता है बेटा अगर ये कोई ट्रांसवर्सल रे है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका सम कितना होता है 180, क्लियर, देखिए 135 प्लस ये p बराबर 180, p की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ जाएगी 45, अरे इसमें घटा दोगे ना, p की वैल्यू आएगी कितनी 45, अब देखिए बेटा ये निकालेंगे, अब देखिए l जो लाइन है बेटा वो पैरेलल किसके है rs के, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो q एंगल है बेटा ये 40 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, q बराबर 40, क्यों भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल q भी आ गया मेरे पास, p भी आ गया, क्या आ गया मेरे पास q आ गया, अब मेरे को निकालना क्या है बेटा x की वैल्यू, x जो है बेटा वो क्या है p प्लस q, तो 45 प्लस 40 कितना आ गया बेटा 85, बोलो कोई दिक्कत बेटा, ठीक है समझ में आया, ठीक है, अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश, इसी क्वेश्चन को एक बड़ा और क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा जाए तो कैसे करेंगे, करते रहो इसको, ठीक है, देखिए देखिए ये आप फटाफट करके देखेंगे बेटा, अपने ओके में फटाफट करके देखेंगे, कोई दिक्कत आए तो उसके तुरंत पूछेंगे, A, B, C, D, क्लियर, दोनों लाइन पैरेलल दे दी, कैसे दी पैरेलल दे दी, ठीक है, तो कह बताओ ये एंगल दे दिया उसने आपको 50, ये दे दिए 120, कह रहे बताओ एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट, हम दिमाग में तुरंत आएगा बेटा कि सर ने बताया था कि दो लाइन पैरेलल और बीच में कुछ ऐसा कुछ बना दे, तो आपको क्या करना है लाइन ड्रॉ कर देनी है पैरेलल, क्या कर देनी बेटा लाइन ड्रॉ करती है, नीचे करनी है पैरेलल, ये बात आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, फिर आप कहीं से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए एल, इसकी पैरेलल होगी इसकी पैरेलल होगी, तो सर ये जो 50 है ये 50 बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक किया की बात, ठीक है, अच्छा ये 50 होगी बेटा, फिर बच्चा कहेगा सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सर इसका उसका समान एटी आना चाहिए, इसका उसका सम क्या आना चाहिए 180, जब ये 120 तो सर ये कितना आएगा 60, दोनों का सम कर देंगे कितना आ गया 110, बोलो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है क्लियर, समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर जनरल रिजल्ट लिखूं तो जनरल दे रहा बेटा, जनरल कैसे लिखेंगे समझना, ये उसने दे दिया मान लीजिए अल्फा और ये दे दिया बीटा, और कहते बताओ ये एंगल बताओ कितने का आएगा, ये बनाएगा ध्यान से सुनो ना क्या आएगा, तो
ये पूरा एंगल कितने का होना बेटा 180 प्लस बीटा माइनस अल्फा, यानी कि 180 में बेटा प्लस बीटा हो जाएगा, उसमें से घट दो अल्फा, ठीक है समझ में आ गया। चलो मैं क्वेश्चन को ठीक है ऐसे भी इसको बेटा फटाफट अपनी कॉपी में और एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपके बुक में फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल।
ठीक है। अब देखिए आपको वाई पहले निकालना है। अब देखिए सीसी जो है बेटा वो ई एफ के पैरल है, ये लाइन होगी पैरल है, पैरल इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा 180, ठीक है। 28 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 152, समझ में आ गया, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखिए। दो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक करके सॉल्व करता हूँ। देखो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता पड़ा अगर दोनों पैरेलल दे देता है और बीच में कोई एंगल बनाता है, अब क्या होता है उसको लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, ठीक है। अभी इतनी बार बता चुका इतने क्वेश्चन, अब बेटा तुम्हें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए लाइन ड्रॉ कर देनी आपको। मान ली ई है ये प्रोटोन एक्स का, मान लीजिए इसको पी और क्यू में दोनों डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, पी प्लस क्यू, अगर मैं पी एफ क्यू की वैल्यू अगर सब करता हूँ आंसर करता हूँ, कोई दिक्कत बेटा, समझ आ गया, ठीक है। तब देख बेटा ये जो ये लाइन और ये लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दी बेटा, देखो ये और इस पर इसका एंगल कितना आएगा 180, यानी कि 108 प्लस पी बराबर 180, तो पी की वैल्यू 180 माइनस 108, ठीक है, तो कितना जाएगा 72, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 72, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देख बेटा Q प्लस 112 ये कितना है बेटा 180, अरे ये लाइन और लाइन कैसी है पैरेलल, तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 112 ये कितना आ गया 68, कोई दिक्कत बेटा। अब x की वैल्यू क्या है P प्लस Q, x जो है बेटा वो 72 प्लस 68, देखिए 80 प्लस 61 क्लियर, समझ आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा जल्दी से, आपकी बुक से करवाई है एलिमेंट की बुक से, ठीक है। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से करके देखना और जरूर पूछना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है, तीनों क्या बेटा पैरेलल, ठीक है। क्या पूछा हुआ इसने आपसे, तुम करो L पैरेलल टू N, सॉरी ये जो L है और N को क्या करना बेटा पैरेलल टू करके दिखाना है। गिवन क्या है, गिवन दे रखा है बेटा x इक्वल टू y और a इक्वल टू b, ये आपको गिवन है, तो प्रूव क्या करना बेटा L पैरेलल टू N, ये करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा। देखिए x बराबर क्या दे रखा बेटा, सॉल्यूशन प्रूफ देखिए बेटा x इक्वल टू क्या दे रखा है y, x इक्वल टू क्या दे रखा बेटा y, मैंने आपको बताया बेटा, देखिए ध्यान से समझिए, मैंने आपको ऐसा समझाया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, कैसे होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, या तो मैं देखो ये तो लाइन से दोनों ऊपर ही है, देखो बेटा ये इस लाइन क्योंकि इस लाइन दोनों ऊपर है ना, और बेटा जब दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं कोरस्पोंडिंग, बट दी थिंक दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो बेटा जो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसे होती है पैरेलल, इसका मतलब एल पैरेलल टू एम, ठीक है, समझ में आएगी क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड देखिए ए इक्वल टू क्या देखा है बी, और बेटा ए और बी भी तो दोनों कैसे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है ना, बट दीज आर आल्सो, बट दीज आर आल्सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। अगर ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए इसका मतलब बेटा देखो एम पैरेलल टू एम, ये क्वेश्चन टू, अब ध्यान से सुनो ना, एम बेटा एल के पैरेलल है, एम किसके पैरेलल है एन के, अगर एक लाइन किसी दो लाइन के पैरेलल हो जाए तो दोनों लाइन आपस में कैसे होंगी पैरेलल, इसका मतलब बेटा एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एम, मतलब एल पैरेलल टू एम, कोई दिक्कत, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले थ्योरम कर रहे हैं उसके, करेक्ट ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल्स का समूह बने की होता है, आपको पता होगा बेटा, ठीक है, आपने यूज किया होगा इसको, प्रूव कीजिए, क्या कीजिए इस चीज को प्रूव करते हैं, ठीक है, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का समूह कितना होता है 180,
तो देखो बेटे कैसे करेंगे, ये बड़े ट्रायंगल बना लिए बीसी, क्लियर, ये ट्रायंगल दे दिए बीसी, प्रूफ करना है ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो देखो बेटे इसको प्रूफ करने के लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या बेटा, ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, मैंने जो बी सी है इसकी पैरेलल टू बेटा एक लाइन ड्रॉ कर ली है पी क्यू, समझ आ गया, ए से पास आउट होती हुई पासिस थ्रू वर्टेक्स ए, दिस इज पासिस थ्रू, पासिस थ्रू ए, ये से पास आउट होती हुई बेटा एक लाइन ड्रॉ करते, ठीक है ना, बी सी के पैरेलल, ठीक है, प्रूफ देखिए बेटा, देखिए पी क्यू पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल हो गए ना कंस्ट्रक्शन दे, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो एंगल एक्स है, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ ना, तो ये जो एक्स है ये इस एंगल बी के बराबर आएगा, अल्टरनेट बी भी एंगल लाइन पैरेलल हो गई तो अल्टरनेट बी एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल एक्स जो है बेटा वो एंगल बी के बराबर आ गया, अल्टरनेट बी एंगल, क्लियर, ठीक है, और देख बेटा अगर मैं इसको वाई मान लूँ, देखिए बेटा वाई जो है वो सी के बराबर आ जाएगा, अल्टरनेट बी एंगल, देखो ना वो लाइन पैरेलल है बेटा, बी सी और लाइन पैरेलल है, जितने का उतना ये बनेगा अल्टरनेट एंगल, तो y बराबर एंगल c, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दिक्कत, ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, x प्लस एंगल a प्लस y इक्वल टू 180, एंगल ओन ए लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन की ट्राइंगल बने हुए हैं, एंगल ओन ए स्ट्रेट लाइन, कौन सी लाइन है PA की, अरे बोलो समझ में आएंगे, अरे मैंने बताया आपको कि जो लाइन पे एंगल ओन ए इक्वेशन क्या होता है 180, this plus this plus this equal to 180, कोई दिक्कत, अब इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इनको क्या मान लीजिए, वन, दोनों को वन मान लीजिए, ठीक है, एक्स की जगह में क्या रखते बेटा सी, तो एंगल बी एंगल ए, वाई की जगह क्या रखते एंगल सी बराबर 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी दिन फ्रॉम फर्स्ट, देखो बेटा ये तो प्रूव कर रहा था, समझ आ गया, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं या आप जब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा हेल्प करेंगे, क्लियर, इन क्वेश्चन को बेटा बार 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 दो से तीन बार बेटा इस वीडियो को जरूर देखना और फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना बेटा, फिर आप अपने एमसीक्यू देखेंगे, अपने बुक के क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है, अगर आप बिना इनको सोल्व किए तो वहां तक जाएंगे बेटा, आपसे सोल्व नहीं होने वाले, क्लियर, आप टाइम लगाएंगे सोल्व करने के लिए, आप एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत लंबा टाइम ले लेंगे, और जब आप वीडियो को देख के बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेटा आपको फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, आपसे हार्डली 20-30 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है, बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखना और कोई दिक्कत आए तो मैं कॉन्टैक्ट करना, थैंक यू।